दोस्तों, क्या आपने सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जानवरों को देखा है, जो कि चिलचिलाती धूप, तेज गर्मी और धूल भरी तेज हवाओं में भी रेगिस्तान की मिट्टी पर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। दोस्तों, सहारा का रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि करीब 52 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भले ही सहारा के रेगिस्तान में इंसानों के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ 500 के करीब रेंगने वाले जीव और 1000 के करीब पेड़ पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों, सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जानवरों को देखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डेंजरस, अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं ओनली ऑन फैक्ट। नंबर 10, साइडबेंडर स्नेक। यह रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक जहरीला सांप है, जो किसी भी इंसान को कुछ ही समय में जिंदगी भर के लिए गहरी नींद सुला सकता है, जिसे हॉर्न्ड रैटल स्नेक और साइडबेंडर रैटल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। सांप की यह प्रजाति मुख्य रूप से अमेरिका और मैक्सिको के रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। ये स्नेक 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग भी सकते हैं। यह रैटल स्नेक अपने शिकार को पकड़ने के लिए कभी भी उसका पीछा नहीं करता, बल्कि अपने शिकार को पहले ही टारगेट कर लेता है और फिर रेत में छिपकर अपने शिकार पर अटैक करता है, जिसमें अपने शरीर का पूरा हिस्सा रेत के अंदर छिपा लेता है और सिर्फ अपनी आंखें ही बाहर रखता है, जिससे कि शिकार पर नजर रखी जा सके। जब कोई शिकार जैसे छिपकली, चूहा या दूसरा कोई जीव इसके पास से गुजरता है, तो ये तुरंत ही उस पर हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले से शिकार को बचने या भागने का कोई मौका नहीं मिलता और वह इस सांप का शिकार बन जाता है। इस रैटल स्नेक के डंक से इंसान या फिर कोई भी जानवर 20 सेकंड में मर सकता है। ये स्नेक भागने की कोशिश करने वाले शिकार का पीछा काफी दूर तक करता है। नंबर 9, डेजर्ट मॉनिटर। ये मॉनिटर हल्के भूरे या हल्के पीले रंग के होते हैं। डेजर्ट मॉनिटर की लंबाई 2 मीटर तक हो सकती है और इनके शरीर की त्वचा पर धारीदार धब्बे होते हैं। इनकी त्वचा रेगिस्तानी वातावरण के अनुकूल होती है, जो कि इन्हें गर्म रेगिस्तान में रहने के लिए मदद करती है, और इनके शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां भी होती हैं जिनकी वजह से इन्हें पानी की कमी महसूस नहीं होती। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले यह जीव भोजन की तलाश में कई किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। हालांकि यह जीव दिन के समय में ही सक्रिय रहकर भोजन की तलाश करते हैं। सांपों की तरह ही ये अपनी जीभ को हवा में लहराते हैं, जिसके बाद शिकार की गंध का पता लगाकर ये उनका पीछा करते हैं। डेजर्ट मॉनिटर काफी दिनों तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। वैसे तो इनका पसंदीदा शिकार चूहे, अंडे और मछली है, लेकिन अवसर मिलने पर ये छोटे स्तनधारियों, पक्षियों और कीड़े मकौड़ों का भी शिकार कर लेते हैं। नंबर 8, ऑस्ट्रिच। सहारा रेगिस्तान में अगर पक्षियों की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले नाम ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो केवल तेज रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन उड़ नहीं सकता। ऑस्ट्रिच को दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है, जो कि विलुप्त होने की कगार पर है। इन पक्षियों की लंबाई 2.5 मीटर और वजन 60 से 160 किलोग्राम तक हो सकता है। इनके अंडे और पक्षियों की तुलना में काफी भारी होते हैं, जिनका वजन 2 किलोग्राम के लगभग होता है। ये अपनी मजबूत टांगों से 30 मिनट तक 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग भी सकते हैं। इन पक्षियों की गर्दन इनके टांगों की तरह ही लंबी होती है। ये पक्षी शाकाहारी होते हैं। ये भोजन के तौर पर घास, फल फूल और छोटे पेड़ पौधों को खाना पसंद करते हैं। पानी की कमी के कारण ये सुबह और शाम के समय अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं, क्योंकि इस समय पत्तियों पर नमी रहती है। ये पक्षी बिना पानी पिए काफी दिनों तक जीवित और तंदुरुस्त रह सकते हैं। नंबर 7, पेंगोलिन। पेंगोलिन एक स्तनधारी जीव है। इसके शरीर पर खास तरह की संरचना होती है, जो कि कैरोटीन की बनी सल्कनुमा संरचना होती है, जिसके द्वारा यह दूसरे जीव जंतुओं से अपनी रक्षा करता है। पेंगोलिन को सल्कदार चींटीखोर भी कहा जाता है, क्योंकि ये रेगिस्तान में चींटी और दीमक को अपना भोजन बनाते हैं और यही इनका मुख्य भोजन है। ये जीव समूह या झुंड में न रहकर अकेले ही रहना पसंद करते हैं और केवल प्रजनन के लिए ही नर और मादा मिलते हैं। ये जीव अधिकतर अफ्रीका और एशिया में ही पाए जाते हैं। अंधविश्वासी प्रथाओं के कारण पेंगोलिन का शिकार किया जाता है। लोगों का मानना है इनका मांस खाने से रोगों का निवारण होता है, जिसकी वजह से इनकी सभी प्रजातियां अब संकटग्रस्त मानी जाती हैं, जिससे जीव विलुप्त होने की कगार पर हैं। नंबर 6, कैमल। रेगिस्तान में अगर किसी जानवर की बात की जाए तो सबसे पहले नाम कैमल यानी कि ऊंट का आता है, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, जिसे आप और हम सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं और बचपन से लेकर अभी तक इनके बारे में पढ़ते और सुनते चले आ रहे हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज यूं ही नहीं कहते। ये ऊंट चिलचिलाती धूप, तेज गर्मी और धूल भरी तेज हवाओं में भी रेगिस्तानी लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो पानी के जहाज की तरह रेतीले सैलाब और टीलों पर आसानी से चल सकते हैं। ये सामान ढोने के साथ साथ सवारी ढोने का काम भी करते हैं। सहारा के रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये ऊंट 10 से 11 फीट तक बढ़ सकते हैं और इनका वजन 450 से 650 किलोग्राम तक हो सकता है। ये ऊंट बिना खाए पिए हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 5, डेजर्ट बिगहॉर्न शीप। रेगिस्तानी बिगहॉर्न शीप नाटी और भारी शरीर वाली भेड़ होती हैं, जो आकार में हिरण के समान होती हैं। इन डेजर्ट बिगहॉर्न शीप का वजन 52 से 127 किलो तक हो सकता है और इनके सींग की लंबाई 3 फीट तक हो सकती है, जो कि मुड़े हुए होते हैं, और इन सींग का वजन 14 किलो के आसपास होता है। रेगिस्तान में ये भेड़ भोजन के रूप में अधिकतर घास खाना पसंद करती हैं, लेकिन जब इन्हें पेट भरने के लिए पूरी तरह से घास नहीं मिल पाती है, तब ये कैक्टस जैसे कटीले पौधों को भी खा लेती हैं।
दिन की गर्मी के दौरान ये अक्सर पेड़ों और गुफाओं की छाया में आराम करते हैं। डेजर्ट बिगॉन सीप पानी के बिना हफ्तों या फिर महीनों तक जीवित रह सकती है और ये रेगिस्तान की गर्मी सहने के लिए पूर्ण रूप से अनुकूलित है। ये भेड़ भागने में तेज होती है और पहाड़ों की खड़ी चट्टानी इलाकों में आसानी से चढ़ भी सकती है। आमतौर पर यह भेड़ 10 से 20 साल तक जीवित रह सकती है। नंबर 4, डेथ स्टॉल्कर स्कॉर्पियन। सहारा के रेगिस्तान में पाए जाने वाले डेथ स्टॉल्कर स्कॉर्पियन दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले स्कॉर्पियन में से एक है। इनके नाम से ही आप पता लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा खतरनाक और घातक स्कॉर्पियन होगा, जिसके नाम में ही डेथ शब्द जुड़ा हुआ है। इनमें खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है। इसके एक बार डंक मारने से शरीर में दर्द और फेफड़ों में सूजन जैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। इसके जहर की अधिक मात्रा शरीर में जाने से आदमी का शरीर बुरी तरह से तड़प उठता है। हर साल कई हजारों लाखों लोगों को इनके काटने के कारण ही अस्पताल में जाना पड़ता है, जिसमें से 3,000 की तो मौत ही हो जाती है। सहारा के रेगिस्तान में पाए जाने वाले इन बिच्छुओं का रंग कुछ कुछ येलो या हल्का ग्रीन होता है। ये भोजन के रूप में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के साथ साथ झींगे भी खाना पसंद करते हैं। इन स्कॉर्पियन की लंबाई 5.8 सेंटीमीटर तक हो सकती है और इनकी उम्र 4 से लेकर 25 साल तक हो सकती है। नंबर 3, गोल्डन मोल। अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले जीव सुनहरे रंग के होते हैं, जो रेत के ऊपर चलने के साथ साथ रेत के अंदर भी आसानी से चल सकते हैं। इन जीवों के शरीर पर सुनहरे रंग के बाल होते हैं, जो कि इतने बड़े होते हैं जिनसे इनकी आंखें भी ढक जाती हैं। इन जीवों के सुनने की क्षमता काफी तेज होती है और इसी वजह से ये रेत में होने वाली किसी भी तरह की हलचल को बहुत ही जल्द पहचान लेते हैं, जिसके बाद ये शिकार के करीब पहुंचकर उन पर हमला बोल देते हैं। गोल्डन मोल खतरनाक इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये रात के साथ साथ दिन में भी शिकार करते हैं। ये जीव 8 से 9 इंच तक बड़े हो सकते हैं और इनका वजन 538 ग्राम तक हो सकता है। इन जीवों को सांप और उल्लू से खतरा बना रहता है। ये जीव भोजन के रूप में रेत में पाए जाने वाले जीवों को खाना पसंद करते हैं। नंबर 2, डेजर्ट टॉर्टोइस। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर कछुए पानी के आसपास या फिर पानी में ही पाए जाते हैं, मगर ये डेजर्ट टॉर्टोइस रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। आपको बता दें कि ये कछुए बिना पानी पिए 1 साल या फिर इससे भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि ये टॉर्टोइस पानी की तलाश में खुदाई भी करते हैं। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले इन टॉर्टोइस की उम्र 50 से 150 साल तक हो सकती है। ये टॉर्टोइस अपना कम से कम 95% जीवन बिलों में ही व्यतीत करते हैं। ये टॉर्टोइस 4 से 6 इंच तक बढ़ सकते हैं और इनका अधिकतम वजन 5 किलो तक हो सकता है। ये कछुए भोजन के रूप में घास के साथ साथ पत्तियां भी खाना पसंद करते हैं। इन कछुओं का कलर ब्राउन और ग्रे होता है। नंबर 1, एडक्स एंटीलोप। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये हिरन विलुप्त होने की कगार पर है। इन एडक्स एंटीलोप को सफेद हिरन और स्क्रू हॉर्न मृग के नाम से भी जाना जाता है। एडक्स मुख्य रूप से फलीदार जड़ी बूटियों, झाड़ियों और झाड़ियों की घास और पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। ये रेगिस्तान में रहने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक पानी के बिना रह सकते हैं। इनकी खासियत इनके बड़े सींग होते हैं, जो पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। वैसे इनके सींगों की लंबाई मादा में 50 से 80 सेंटीमीटर तक और नर में 70 से 85 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जबकि दूसरे हिरण की प्रजातियों की तुलना में इन हिरण के पैर काफी छोटे होते हैं। वहीं इनके पैरों के नीचे का हिस्सा यानी खुर काफी बड़े होते हैं। ये हिरण सुबह और शाम के समय में ही भोजन की तलाश में निकलते हैं, क्योंकि इस समय मौसम ठंडा रहता है। मौसम बदलने के साथ साथ इनके शरीर के बालों का रंग भी बदल जाता है। सर्दियों में ये रंग गहरा भूरा और गर्मियों में पूरी तरह से सफेद या रेतीला गोरा हो जाता है। एडक्स एंटीलोप 5 से 20 सदस्यों तक का झुंड बनाते हैं और इनके झुंड की मुखिया सबसे बुजुर्ग महिला एडक्स होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, सहारा के रेगिस्तान में पाए जाने वाले इन खतरनाक जानवरों में से आपको सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।